हेलो फ्रेंड्स, स्टार गौरव एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी ग्रामर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दोस्तों, मैंने इससे जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको रस कंप्लीट करा दिए थे, आज मैं आपको काव्य कंप्लीट करा दूँगा। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा ना देखेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, मैं इतनी गारंटी लेता हूँ, आपको हिंदी घर पर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, बस आप मेरी वीडियो देख लिया करें, उसे नोट कर लिया करें और एक बार पढ़ लिया करें, आपको ऐसी याद हो जाएगी बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो आइए आज मैं आपको काव्य समझाता हूँ। काव्य बोध में से कुल 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। ठीक है, बूंद बूंद से घर घड़ा बढ़ता है, इसीलिए आप छोटे छोटे क्वेश्चनों को भी याद कीजिए। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छे अंक ला सकते हो। छोटे छोटे सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, इन्हीं सब्जेक्टों से परसेंटेज खींचती है, यानी जब तक आप इनमें अच्छे अंक नहीं ला पाओगे तब तक आपकी परसेंट नहीं बन पाएगी। ठीक है, भले आपके मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री इनमें थोड़े थोड़े अंक कम रह जाएँ, पर हिंदी में पर अच्छे अंक ला जाते हैं तो आपकी परसेंट खिंच जाती है। अगर हिंदी में अच्छे अंक ना आए तो क्या होगा, समझ भाई? तो मैं आज आपको काव्य पढ़ाऊँगा। तो पहले आता हुआ है काव्य किसे कहते हैं, यानी काव्य किसे कहते हैं। तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, एक कवि हैं, उनके अनुसार उन्होंने एक इसकी परिभाषा दी है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम, ये संस्कृत वर्ड है। ठीक है, रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात इसका मतलब होता है रसयुक्त वाक्य को काव्य कहते हैं। नहीं समझे, समझाता हूँ। पहले आप ये जानिए कि काव्य कितने प्रकार के होते हैं। तो काव्य मैं आपको बता दूँ, 2 प्रकार के होते हैं, श्रव्य काव्य, श्रव्य काव्य और दूसरा दृश्य काव्य। ठीक है, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य क्या क्या होता है, श्रव्य का मतलब होता है सुनना। जिस काव्य को सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। ठीक है, दृश्य काव्य का क्या होता है, जिस काव्य को देखने से या रंगमंच पर अभिनय देखकर उससे जो आनंद की अनुभूति होती है उसे दृश्य काव्य कहते हैं। दृश्य काव्य क्या है, जिस काव्य को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे दृश्य काव्य कहते हैं। ठीक है, श्रव्य काव्य में अपने प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य आ जाते हैं, जे मैं डिटेल में ज़्यादा जाऊँगा नहीं, और दृश्य काव्य में नाटक और एकांकी आ जाती हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं, आपको मोस्ट ही कराऊँगा ग्रामर। ठीक है, और प्रबंध काव्य में आपके आते हैं महाकाव्य और खंड काव्य, ये आपके मोस्ट हैं, उनको मैं बता देता हूँ। तो महाकाव्य कैसे कहते हैं, देखो महाकाव्य, महा का मतलब पहले ही पता पड़ रहा है, महा मतलब बड़ा। ठीक है, तो महाकाव्य किसे कहते हैं, जिस काव्य में किसी महापुरुष की संपूर्ण जीवन की घटनाओं का वर्णन होता है उसे महाकाव्य कहते हैं। यानी कोई काव्य, मान लो रामचरित मानस है, ये क्या है, महाकाव्य है। ठीक है, इसमें श्री राम की जन्म से लेकर जब तक उनकी मृत्यु ना हो गई तब तक उनका वर्णन हुआ है, यानी वह महापुरुष है और उनकी जीवन की पूरी घटनाओं का वर्णन हुआ है, संपूर्ण घटनाओं का वर्णन हुआ है, इसे महाकाव्य कहेंगे। इसीलिए रामचरितमानस क्या हो गया, महाकाव्य हो गया। ठीक है, तो जिस काव्य में किसी महापुरुष की जन्म से लेकर अंत तक, या फिर ऐसे कह सकते हैं संपूर्ण घटना का वर्णन होता है, संपूर्ण जीवन की घटनाओं का वर्णन होता है, उसे महाकाव्य कहते हैं। ठीक है, अब देखो महाकाव्य और महाकाव्य के कवि, यानी दो पूछ लिए जाते हैं, आप याद कर सकते हो, मैं इनके ट्रिक के साथ ही आपको याद करवाता हूँ। अगर आप ट्रिक के साथ याद कर सकते हो तो ट्रिक के साथ कर लेना, अगर आप वैसे याद कर सकते हो तो वैसे याद कर लेना। ठीक है, तो मैं ट्रिक बताता हूँ, उसकी ट्रिक है इसकी, देखो पहला है रामचरित मानस, यानी तुलसीदास, साकेत, मैथिली सरगुप्त, कामायनी, जयशंकर प्रसाद, प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय। रामचरित किसने लिखा, तुलसीदास ने, साकेत मेहदी सरगुप्त ने, कामायनी जयशंकर प्रसाद ने, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें वरना समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, मैं आपसे बार बार कहता हूँ वीडियो को पूरा देखें, 10-15 मिनट दे दोगे
तो आप इसको चैप्टर को समझ जाओगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका चैप्टर, काव्य से संबंधित चैप्टर क्लियर। ये ऐसा नहीं है, हिंदी ऐसी नहीं है कि आपको ट्वेल्थ के बाद काम नहीं आएगी, ट्वेल्थ के बाद भी काम आएगी हिंदी ग्रामर, ठीक है। बीएससी जो भी कुछ करोगे, बीकॉम बीए, उसमें सब में काम आएगी है हिंदी। तो आप हिंदी को अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। तो देखो अब देखते हैं काव्य, इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। इसकी ट्रिक है जो जो ए हैं महाकाव्य के कवि हैं उनकी मैं ट्रिक बता देता हूँ। अगर आप ट्रिक से याद करना चाहते हो तो ट्रिक से कर लेना। इसकी ट्रिक है राम सखा प्रिय, यानी राम की सखा, राम को अपनी सखा सभी प्रिय लगती है मान लो, यानी राम सखा प्रिय, सखा लिखना है वैसे यहाँ सखा। सखा मैंने क्यों कहा, राम का मतलब क्या हो गया, रामचरित मानस। सखा का सा का मतलब साकेत, का मतलब कामायनी, प्रिय का मतलब प्रिय प्रभास, ठीक है। राम सखा प्रिय दो तीन बार रटोगे याद हो जाएगा। और देखो इसी क्रम से जो मैंने कवियों के नाम बताए हैं उसी क्रम से मैं आपको महाकाव्यों के नाम बताए हैं उसी क्रम से मैं आपको कवियों के नाम बताऊंगा। देखो कैसे, तुलसीदास यानी तू मैं अयोध्या, तू मैं जाएंगे अयोध्या, ऐसा करो, तू मैं जाएंगे अयोध्या, यानी तू और मैं जाएंगे अयोध्या, ठीक है, ये इस बीच में, ठीक है। तू मैं जाएंगे अयोध्या, ठीक है, तू मैं जाएंगे अयोध्या, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ तू मैं जाएंगे अयोध्या, ठीक है, यानी तू मतलब तुलसीदास, मैं मतलब मैत्रेयी गुप्त, और जा मतलब जयशंकर प्रसाद, अयोध्या मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय, यानी उसी ट्रिक से राम सखा प्रिय तू मैं जाएंगे अयोध्या, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो आप इनको, नहीं तो आप वैसे रट सकते हो, ठीक है। खंड काव्य किसे कहते हैं, जिसको खंड का मतलब क्या होता है ध्यान समझो, खंड का मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है। जैसे रामचरित मानस में से अपन ने निकाल ली पंचवटी कथा है जिसमें सीता का हरण हुआ, सीता हरण है पंचवटी में से, ठीक है। तो मतलब जिस काव्य में किसी महापुरुष की किसी एक घटना का वर्णन होता है उसे खंड काव्य कहते हैं, यानी उसका एक टुकड़ा निकाल के रख लिया है। जैसे पंचवटी खंड काव्य, पंचवटी सुदामा चरित खंड काव्य, हल्दी घाटी खंड काव्य, कुरुक्षेत्र खंड काव्य। देखो इसकी भी मेरे पास ट्रिक है, आपको ट्रिक के साथ बताता हूँ। इसकी ट्रिक है पंचवटी से सुदामा हल्दी खा के कुरुक्षेत्र में लड़ने गए, क्या है, पंचवटी से सुदामा हल्दी खा के कुरुक्षेत्र में लड़ने गए, ठीक है, लड़ने गए, ठीक है। तो मतलब पंचवटी आ रहा है, से को साइलेंट रखेंगे, ठीक है। सुदामा चरित्र, हल्दी मतलब हल्दी घाटी खा के वो साइलेंट रखेंगे, कुरुक्षेत्र मतलब कुरुक्षेत्र, ठीक है। पंचवटी से सुदामा हल्दी खा के कुरुक्षेत्र में लड़ने गए, ठीक है, आपको यह याद कर लेना है। इससे आपको खंड काव्य के कंप्लीट हो जाएंगे, जो खंड काव्य हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, पंचवटी से सुदामा हल्दी खा के कुरुक्षेत्र में लड़ने गए, ठीक है। अब इसके कवियों की ट्रिक मैं बताता हूँ। मैं ना श्याम राम, यानी उसी क्रम के अनुसार है, मैं ना श्याम राम, यानी मैं आपसे मना कर रहा हूँ, मैं श्याम राम नहीं हूँ, यानी मैं ना श्याम राम। तो मतलब मैं मतलब मैत्री सरोग, ना मतलब नरोत्तम दास, श्याम मतलब श्याम नारायण पांडे, राम मतलब रामधारी सिंह दिनकर। आप ट्रिक से याद कर सकते हो, ट्रिक से क्या है, आप ट्रिक याद कर लोगे तो आप भूलोगे नहीं, ठीक है, वैसे भी नहीं भूलोगे। अब देखो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वैसे तो मैं आपको जैसे इसका बेसिक क्लियर करा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दे दूँगा, आप उनको याद कर लेना, ओके। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन वीडियो को पूरा देखना। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, देखो महाकाव्य क्या है, महाकाव्य मैंने आपको अभी बताया था, महाकाव्य में किसी महापुरुष की सारी जिंदगी या संपूर्ण घटना का वर्णन होता है,
और खंड काव्य में किसी महापुरुष की केवल एक ही घटना का वर्णन होता है। ठीक है, महाकाव्य बड़ा होता है जब किसी महापुरुष की संपूर्ण घटना का वर्णन होगा तो बड़ा ही होगा ना। जैसे क्या है, जैसे हम मान लो रामचरितमानस है, बहुत बड़ी है रामलीला, तो उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, महाकाव्य कहेंगे। और खंडकाव्य किसे कहेंगे, जैसे रामलीला में से अपने रामचरितमानस में अपने पंचवटी कथा निकाल ली तो उसको क्या कहेंगे, वो क्या है, थोड़ी होगी ना तो उसको छोटी होगी, तो उसको खंड कर दिया उसमें से तो क्या हो गई, छोटा हो गया। तो खंडकाव्य छोटा होता है, महाकाव्य बड़ा होता है। महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है। पात्र क्या होते हैं, पात्र, जैसे रामलीला में, जैसे अपन रामलीला करते हैं उसमें श्री राम का पात्र कौन निभाएगा, लक्ष्मण का पात्र कौन निभाएगा, हनुमान का पात्र, ये पात्र होते हैं। यानी महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होगी, बढ़ाया तो अधिक होगी ना पात्रों की संख्या, लोग अधिक होंगे, पात्र का मतलब लोग जो प्रोग्राम को रचते हैं। ठीक है, खंडकाव्य में, खंडकाव्य में पात्रों की संख्या कम होगी, सीमित होगी। ठीक है, बस आपको इतने याद कर लेने हैं, तीन पॉइंट याद कर लेने हैं, दो नंबर का आएगा। ठीक है, अब आते हैं चंपू काव्य। चंपू काव्य, चंपू काव्य किसे कहते हैं, देखो चंपू काव्य क्या है, गद्य पद्य मिश्रित काव्य चंपू काव्य कहलाता है। यानी गद्य का मतलब होता है कहानी प्लस काव्य, काव्य मतलब कविता। ठीक है, यानी गद्य पद्य मिश्रित काव्य चंपू काव्य कहलाता है, यानी कहानी और कविता से जो मिलकर काव्य बनता है उसे चंपू काव्य कहते हैं। मैथिली षड्गुप्त का यशोधरा काव्य एक चंपू काव्य है, यानी मैथिली षड्गुप्त ने एक यशोधरा लिखा था, वो क्या है, चंपू काव्य। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट है, काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं, काव्य गुण तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, ओज गुण। देखो मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ, पहले आप माधुर्य गुण को समझिए। माधुर्य गुण क्या होता है, माधुर्य मतलब मधुर, सुंदर। ठीक है, यानी जिस काव्य को सुनकर, जिस काव्य को सुनकर हमें जो मधुरता का आभास होता है, जिस काव्य को सुनकर जो मधुरता का आभास होता है कानों में हमारे में, और हमारा मन पुलकित हो जाता है यानी खिल उठता है, उसे माधुर्य गुण कहती है। ठीक है, समझ में आ गया, जिस काव्य को सुनने से या पढ़ने से जो मधुरता का आवास होता है और कानों में जो मधुरता का आवास होता है और हमारा मन पुलकित हो जाता है वही माधुर्य गुण कहलाता है। ऐसे लिख देना, आपको हिंदी है, हिंदी भाषा में लिखो सरल। यह गुण मुख्य रूप से श्रृंगार रस, शांत रस एवं करुण रस में पाया जाता है, यानी इन रसों में से आप इनमें से कोई किसी भी रस के उदाहरण इसमें लिख सकते हो। ठीक है, किसी भी रस के उदाहरण इसमें लिख सकते हो। ओके, अब आ जाओ ओज गुण। ओज गुण क्या है, सॉरी प्रसाद गुण। प्रसाद गुण क्या है, जिस काव्य को सुनने या पढ़ने से आसानी से समझ में आ जाए उसे प्रसाद गुण कहते हैं। जिस काव्य को सुनने या पढ़ने से आसानी से समझ में आ जाए उसे प्रसाद गुण कहते हैं। ठीक है, और ओज गुण, ओज गुण है जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से जोश उत्पन्न हो जाता है उसे ओज गुण कहते हैं। जैसे वीर रस, भयानक रुद्रस, इसका उदाहरण मैं बता देता हूँ। बुंदेलो हर बिलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, इसका उदाहरण ये आप लिख सकते हो। और माधुर्य में लिख सकते हो, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ठीक है, प्रसाद गुण किसे कहते हैं, प्रसाद गुण आसानी समझ में आ जाए। वे दिन कितने सुंदर थे जब सावन सघन बरसते थे। ठीक है, एक प्रसाद गुण का उदाहरण है, इसे लिख सकते हो। ठीक है, तो आप समझ गए होगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।